तो आइए अब चलते हैं घर की तरफ। वंदे मातरम की जय। तो हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। एक बोर्ड दिखा था उसमें रीवा लिखा था, इस वजह से अज्जू ने उसी रास्ते पे गाड़ी डाल दी है। अब देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है ना, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और अगल बगल खेत है एकदम हरे हरे। इस रास्ते पे भी मैं पहली बार ही आया हूँ। अज्जू आ चुका है पर वो भी बहुत पहले ही आया था तो बहुत ज़्यादा उसे भी याद नहीं है। चल तो दिए हैं, अब देखिए आगे कहाँ पहुँचते हैं। न जाने किस गांव में घुस गए हैं हम लोग, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और रोड भी जो है ना उस वाले रास्ते की तुलना में जो है थोड़ा ख़राब ज़्यादा है। अरे ये तो लिपनिया वाली रोड है। ये रहा अपना कॉलेज चौराहा। ये हुंडई की अल्कज़र नई आई है, 7 सीटर, ठीक ठाक ही दिखती है। तो लीजिए हम लोग शिवनगर मोड़ पे आ गए हैं, आइए चलते हैं आगे। तो हम घर पहुंच गए हैं और 3:30 बज रहे हैं। तो आइए कपड़े वगैरह चेंज किए जाएं और हाथ पैर धो के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अब आपसे मिलेंगे शाम को। के बगल में ही लाड़ा सुपरमार्केट है गाइस। ये देखिए रूबल, आइए चलते हैं इवनिंग वॉक के लिए। मैं रोहित के साथ स्टेडियम जा रहा हूँ। तो ठीक है अब जाओ तुम घर, आगे उधर रोड है ना, चलिए चलते हैं स्टेडियम। वो मन जिसका अगर मन है तब आज बहुत ज़्यादा चल लिया है और आँख आपको चढ़ी चढ़ी लग रही होगी कि वहाँ से आया और उसके बाद बस चाय पिया हूँ और फिर उसके बाद वीडियो एडिट करने में लग गया था तो सोया बिल्कुल भी नहीं और थकान है। और अब रोहित का फोन आ गया था कि चलते हैं स्टेडियम, तो मैं बोल दिया कि चलो चलते हैं। ये देखिए लगा हुआ है किसी, पता नहीं कौन सी लड़की है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है इसकी। खैर आई एम सिंगल एंड अवेलेबल। चलिए चलते हैं वहाँ, शायद विवेक सर भी मिले अगर उनका दूसरा आदमी शिफ्ट ना हो। समझाए जा रहे थे ये एंटरटेनमेंट कर रहा है किसी। चलिए बहुत परेशान नहीं करते हैं, तो चाव लेगा गुस्सा आएगा। बैर की बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, लगी कहाँ है, पकी हुई। भाई वो वाली बैर खाए बहुत टाइम हो गया, वो जो वो नहीं कर देते एकदम से वाल के नमक डाल की वो अमचूर भी बड़ा मस्त लगता है ना बैर का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और
रोहित ने हमें पेट एक फेंगे कहाँ है भाई। तो रोहित जो है सजेशन दे रहा था कि मतलब सजेशन क्या कारण बता रहा था कि क्यों हमारी वैल्यू जो है नहीं है मार्केट में इतनी ज़्यादा। उसका ये कहना है कि ज्ञान तो तुम्हारा अमूल्य है ना, लोगों तक पहुंचना चाहिए भाई, तब तो जानेंगे कि मतलब। अब यही बात है, तुम निकाल ही नहीं रहे हो अपना ज्ञान और फिर बोल रहे हो कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है। ज्ञान तब लेते हैं जब आपको कहीं देखते हैं, अभी आप यहाँ हैं, यहाँ इतना नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। बाद में हो सकता है तुम्हारी वीडियो ढूंढ के कहें कि यार वो लड़का कहाँ गया, पहले ही बोला था ये लड़का। तो रोहित का ये कहना है कि ब्रांडिंग नहीं की गई है, पैकेजिंग आपकी, इस वजह से जो है वैल्यू नहीं है। तो बात तो सही है, पैकेजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दीजिए। हर टाइम पे जो है ना पैकेजिंग के मतलब अलग है। जैसे जब आप बच्चे होते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड रहो, ओबीडियंट रहो, ये आपकी पैकेजिंग है। तब है ना मोहल्ले के लोग आपको, आपके घर के लोग आपको प्यार करते हैं। चाइल्डहुड की पैकेजिंग है। जब आप स्कूल में जाते हो वहाँ अपनी क्लास में अच्छे वो रहो, डिसिप्लिन्ड रहो, अच्छे से कपड़े कपड़े पहन के जाओ, ये होगी वहाँ की पैकेजिंग। बात तो सही कह रहे हैं। अब फिर एडल्ट में आके आ चुके हैं आप, तो अब आपको चाहिए नौकरी। नौकरी चाहिए भैया। आप जो है ना ऐसे फील्ड में जहाँ आपका चेहरा देखने के बाद आदमी अंदाजा लगाता है कि यार इसको इज्जत कितनी देनी। तो पहले आपसे पूछेगा कि आप करते क्या, दैट मीन्स ये नहीं जानना चाहता कि आप काम क्या करते हो, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि कमाते कितने हैं, कमाते कितना है। मुद्दे की बात पकड़ी है भाई ने एकदम जबर। फिर उस हिसाब से वो आपको इज्जत देता है। ओहो, तो इज्जत इक्वल टू मनी, मनी है भैया। हाँ, इट्स टाइम टू टाइम जो है ना ये डिफर करती है कि क्या है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन कि हर पर्सन को वही चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं रहता है, टाइम टू टाइम डिफर करती है ना। बाकी कुछ लोग ऐसा हो जाता है, सही है बात, वो पैसे इतना कमा लेते हैं, भिखारी को कोई प्यार नहीं करता। सुनो नहीं, ऐसा नहीं है, करता है लोग, क्या होता है इतना फिस्ट है कमा लेते हैं, तो वो फिर ऐसा बोलता है नहीं ये सब कुछ नहीं, ये सब मोह माया है। सर एक्चुअल में आप देखो ना कि उनके पास इतना हो गया है कि उनको वो सब मोह माया जैसा लगने लगा है। तो मोह माया कहने से पहले ना तृप्त हो चुके हैं वो, धन लेवल पे पहुंचो, तृप्त नहीं है। हाँ, आज भी उनसे ले लो तो वो नहीं, वो जो है चिल्ला देंगे। मतलब देना भी नहीं है। हाँ, तुम चले जाओ और तुम ना दो, मतलब वो इस लेवल पे आ गए हैं कि अपना वो कर चुके हैं, अब उनको लग रहा है कि मतलब वो इस लेवल पे हैं कि उनका प्रोपोगंडा सक्सेस है। हाँ, वो औरों को ज्ञान बांट सकते हैं, वो औरों को ज्ञान दे सकते हैं, सब मोह माया। अभी मेरा ज्ञान कोई नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं आज से नहीं कई सालों से इसीलिए सुन रहा हूँ कि तुझे अपने ब्लॉग पे डाला। ओह माय गॉड, पर मैं तो पहले भी सुनता, ब्लॉग के पहले भी तो सुन रहा था। मेरे पास चॉइस नहीं है। ओहो, चॉइस बहुत तेज हाथ दर्द कर रहा भैया, बहुत तेज बंद कर दे हाथ दर्द कर रहा, जान मिस हो जाएगा महाज्ञानी बाबा। और अभी आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुई, अभी तो ये एक लेवल है ज्ञान का, एक ज्ञान के जो महा 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 मंडलेश्वर जो है वो वेट कर रहे हैं हम लोगों को। गोरानंद स्वामी, ओह माय गॉड, क्या उपाधि है, वो मिलेंगे हम लोगों को, कहाँ मिलेंगे? गोरानंद स्वामी स्टेडियम, स्टेडियम में मिलेंगे, पहुँच गए होंगे वो तो, अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे बैठ के वहाँ। साधना, साधना मिली ना, साधना के साथ साधना मिली होंगे, नहीं ऐसा नहीं, साधना मिली है। ज़्यादा वल्गर हो गया था, सॉरी, इमेज का ध्यान रखना जरूरी है। रोड कपे तो वही मतलब लेफ्ट साइड का या राइट साइड का? राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये देखिए सेकेंड हैंड कार मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, बहुत लोग रिव्यू से बहुत कुछ बजाते रहते हैं। देख रहे हैं कैसी भीड़ है, तूने भाई एक वो दे दिया एकदम से, सब्जेक्ट दे दिया मान लो, देख रहे हैं तम, मतलब अनजाने में ऐसे लोग जो है, देखिए तो थोड़ा सा चेहरा दिखाइए, अनजाने में ज्ञान दे जाते हैं,
खतरनाक लाइन, जिंदा आदमी दफन लिख रहा होता तो ज्ञानी बाबा के कथन बहुत बड़ा तो तेरे पास संग्रह हो। बाबा जी तो नहीं दिख रहे हैं कहीं, आइए ढूंढते हैं बाबा जी को। अभी पहुंचे नहीं लगता है। ये देखिए जबर भीड़ है, जबर बस सामने से ही आएंगे। वो देखिए अलग ही चाल है भाई साहब, एकदम। सर आप तो ब्लैक कमांडो बन के आए हैं एकदम से, आपके बारे में कुछ कह रहा था। कहते ही रहते हैं ना, ये अब तो एकदम कॉम्बिनेशन हो गया बे, रेड एंड ब्लैक। ये थोड़ा डिफरेंट था सर। ये देखिए ये ब्लॉगर ओपी, ब्लॉगर आशीष, और ये इन्वेस्टर बैंकर रोहित अंबानी, और मैं चौहान। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कट चुका है इनका, कट चुका है तुम्हारे व्यूअर्स में से। कुछ दिन बाद तुमको ढूंढने लगेंगे, कहाँ है वो तो नहीं दिख रहे। जॉबर नहीं, इन्वेस्टर यार, यही फाइनेंस करेगा अपने चैनल को। लोग फाइनेंस मुझे करते हैं, मैं इन्वेस्टर। देख रहे हैं गलत फहमी, गलत फहमी पाल रखी है आपकी नजरों में, वो गलत फहमी लगती है, वो रोहित के लिए सच है। कोई बात नहीं, देंगे एक दिन, पैसा देंगे। कितना चाहिए, कितने का चेक? जीरो आगे लगाना है कि पीछे लगाना है, ये जरूर बता देना। तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, टाइम बहुत हो गया है। बाहर गया था क्या? कौन? फिर गेट खोले रहे हैं। अरे ये मानते नहीं। तो मैं घर पहुंच गया हूं, और आइए अब भूख बहुत जोरों से लगी है तो कुछ खाते हैं, क्योंकि आज सुबह भी खाना नहीं खाया था हम लोगों ने। हम जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वाइट टाइगर सफारी गए थे, तो वहीं पे बस थोड़ा बहुत स्नैक खा लिया था। और आइए अब कुछ खाते हैं और भूख मिटाई जाए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि आज बहुत चला हूँ तो पीठ में दर्द हो रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगा, और फिर वीडियो जो एडिट कर दिया है उसमें थंबनेल बना करके उसे अपलोड करना है, तो वो भी एक काम बचा हुआ है। तो फिर मिलते हैं आप।